आंध्रस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थ गोस्वामिने नमः यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः पतिपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हमारे पूर्व आचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज यहाँ पर बतला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नवविध भक्ति धर्म सदाई करीबो सुसेवन। भक्ति अंगों का बड़े सुंदर तरीका से सेवा करूंगा मैं, कर्तव्य बोध से नहीं प्रीति से। उसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि कीर्तन अंग को लेकर, कीर्तन अंग जो है भक्ति का उसके बारे में चर्चा कर रहे, कीर्तन का सुसेवन किस प्रकार से किया जा सकता है। कल हमने श्रवण किया कि नामापराधों से रहित होकर हरि कीर्तन करने से भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। निरापराध होकर, अपराध शून्य होकर अगर हम लोग भगवान के नाम को करते हैं तो हमारे अंदर भगवत प्रेम की अनुभूति हो सकती है, अन्यथा नहीं। नाम प्रभु के चरणों में किस प्रकार से अपराध होता है वो हम लोग श्रवण कर रहे थे। क्या बोल रहे हैं, साधु निंदा, साधु निंदा नामापराध है, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि नाम प्रभु शुद्ध भक्तों के हृदय में वास करते हैं। इसलिए जिनके हृदय में नाम प्रभु वास करते हैं ऐसे व्यक्तित्वों का शरीर के दोष अथवा स्वभाव के दोषों को लेकर जो चर्चा करने लगता है उसका अपराध हो जाता है, क्योंकि भगवान नहीं उसको क्षमा करते हैं। ऐसा शरीर और शरीर से संबंधित
जितने भी स्वभाव व्यक्ति के बनते हैं वो सब यही रह जाते हैं। नित्य धाम के अंदर स्वरूप भी अलग होता है, सेवा भी अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। उसका इस जगत के स्वरूप से, इस जगत के स्वभाव से किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं होता है, वह प्राकृत है। परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी का कई साल पहले जब हम फोटो खींच रहे थे तो गुरु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या इसका फोटो लिया? तो कहने का मतलब है, शुद्ध भक्त, एक रसिक भक्त, उसका अपना वास्तविक स्वरूप और जगत में जिस रूप को धारण करके वो प्रकट होते हैं, वो दोनों एक नहीं होते। इसीलिए किसी वैष्णव के अंदर कभी कभी किसी किसी प्रकार के गुण अवगुण आदि देखने को आता है, लेकिन उनको गुरुत्व ना देते हुए उनके समर्पण को, उनकी सेवा भाव को, उनको देखते हुए उनका सेवा करना होता है, उनका नाम निष्ठा को देखकर उनका सेवा करना होता है। इसलिए बोलते हैं, जो उनकी सेवा उनके नाम प्रभु के चरणों में अनुराग आदि को ना देखकर, जो केवल मात्र उनकी निंदा आदि कर्मों में ही प्रवृत्त हो जाते हैं, बोलते वो नामापराध है। इसलिए गुरु जी बोलते कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारे आचार्य लोग कहते, हमारा काम क्या है? तुम आए हो गुरुस्थान में दूसरे को सुधारने, खुद को सुधारने, इसीलिए अपना दोष देखना होता है, दूसरे के दोष नहीं देखना होता है, दूसरे के गुण देखने का प्रयास करना चाहिए। हम मठ में किस लिए आए या मठ का आश्रय क्यों लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रह्मचारी के लिए है, गृहस्थ भी। किस लिए तुम मठ का शिष्य हुए हो? भजन करने के लिए, भगवान को पाने के लिए। इसलिए दूसरे के दोष आदि को देखना अथवा अन्य भक्तों की निंदा करना, साधु निंदा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लाल कपड़ा, पीला कपड़ा या मुंडन जटा, ये सब, यही लोग साधु होते हैं। भगवत भक्तों की बात यहाँ पर हो रहा है। वैष्णव निंदा, भक्त निंदा, भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते हैं। हमने जैसे कल सुना, उनका नामोच्चारण भी अगर कोई व्यक्ति त्रुटि के साथ में ले लेता है, करने लगता है, तो भी भगवान परम दयालु उन पे कृपा कर देते हैं। लेकिन परम दयालु ठाकुर उनके ऊपर कृपा अवश्य कर देते, लेकिन उनके प्रिय भक्तों के ऊपर कभी प्रहार करने पर, उनका निंदा करने पर भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते। इसलिए बोलते नामापराध है। साधु निंदा करता हुआ व्यक्ति कितना भी हरिनाम करेगा, भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। ऐसा। और क्या बोलते हैं, अन्य समस्त देवताओं के जो नाम हैं भगवान के नाम के साथ समान है, इस प्रकार के भाव से देखना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने भगवान के नाम के साथ और लोगों का नाम बराबर मान लिया तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान नाम की महिमा को नहीं समझना इसका तात्पर्य है। जो लाभ, जो सिद्धि, जो उपलब्धि, जो प्राप्ति भगवान के नाम को ग्रहण करने से हो सकता है, वो अन्य किसी और साधन के द्वारा, अन्य किसी देवताओं के आश्रय ग्रहण करने पर नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन
जो भगवान नाम दे सकता है, भगवान नाम प्रभु की कृपा से जो हो सकता है, वो अन्य देवादि वृंद है उनका नाम ग्रहण करने से, अथवा उनको भगवान के नाम के बराबर मान लेने से नहीं हो सकता है। इसलिए जो नाम करने वाला व्यक्ति अगर सोचेगा सब एक ही है जी, ये कोई भी नाम ले लो, वो नहीं चलता है। नाम निष्ठा होना जरूरी होता है कि जो नाम मैं कर रहा हूँ ये सर्वोपरि है, जिस नाम को मैं जाप कर रहा हूँ भगवान का ये जो दिव्य नाम है इससे श्रेष्ठ कोई और साधन नहीं है, इस प्रकार से साधक के अंदर होना जरूरी है। गुरुदेव की अवज्ञा, जो कोई भी उपदेश श्री गुरुदेव से एक साधक को प्राप्त होता है उसका विधिवत पालन नहीं करना गुरुदेव की अवज्ञा है। ऐसा बोलते वो ठीक नहीं है, क्योंकि नाम तुम्हें दान करने वाले वो गुरुदेव ही होते हैं। इसीलिए जो गुरुदेव से मंत्र प्राप्त होता है, नाम प्राप्त होता है, और नाम के साथ में जो आदेश प्राप्त होता है उन आदेशों का अवहेलना करना मतलब अस्वीकार करना, ऐसा बोलते वो अपराध है। अवज्ञा हम गुरुदेव के वाणी का कर रहे हैं, लेकिन अपराध होता है नाम प्रभु के चरण में, ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो नाम है गुरुदेव के हृदय से निकल के आ रहा, जो गुरुदेव अपने हृदय के धन को निकाल के एक साधक को दिया, क्योंकि वीर्यवती नाम, वीर्यवती मतलब क्या है? नाम के अंदर जीवन होना, नाम में जीवन होना मतलब क्या है? भगवान का उस नाम के अंदर उपस्थिति होना, विराजमान रहना। इसीलिए भगवान जब गुरुदेव के हृदय से निकल के जीव के जीवन में आते हैं कृपा करने के लिए, जब जीव इतना बड़ा कृपा करने वाला श्री गुरुदेव के प्रति अवहेलना का भाव रखता है तो नाम प्रभु प्रसन्न नहीं होते, रुष्ट हो जाते। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम है गुरुदेव से, गुरुदेव उनके प्रियतम भक्त हैं, उनके अत्यंत प्रियतम भक्त हैं, और उस भक्त को हम लोग अवहेलना करें उनके वाणी का तो भगवान क्षमा नहीं करते, उनको मर्त्य भाव से देखकर कि कोई नहीं, एक दिन तो गुरुजी ने भी तो शरीर छोड़ ही देना, इस संसार का तो नियम है, हम लोग जैसे चले जाते हैं, इस तरह के जितने भी विचार होते हैं वो सब नाम प्रभु को कभी भी प्रसन्न नहीं करते हैं। भगवान ने स्वयं बोल दिया, नामृत्य भाव या सुयते, कभी भी मर्त भाव से देखना नहीं होता है गुरुदेव को, वो भी निंदा ही हो जाता है, उससे भी नाम प्रभु प्रसन्न नहीं होते। और शास्त्रों की निंदा, शास्त्रों की निंदा ले इसमें, ये तो ऐसे ही है, ये कोई शास्त्र है, इस तरह की जितने भी बात है ये सब श्रुति शास्त्रों की जो निंदा करना, ऐसे भी नाम प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं। और क्या बोल रहे हैं यहां पर कि नाम की इतनी महिमा नहीं है, वो तो ऐसे ही लिख दिया,
मतलब एग्जैजरेट किया, अतिशयोक्ति, इस तरह का भाव से नाम को ग्रहण करने को भी शास्त्रों ने बताया कि नाम प्रभु के चरणों में अपराध है। जबकि शास्त्र बतलाते हैं नाम प्रभु की अनंत महिमा का एक बिंदु भी बड़े कठिन रूप से शास्त्रों के माध्यम से इस जगत के आगे प्रकाशित किया गया है, लेकिन बद्ध अवस्था में होने के कारण जब एक साधक, ठीक है हरिनाम करना चाहिए लेकिन कुछ ज्यादा बोल दिया, वो भी नाम अपराध हो गया है। मानते हैं हरिनाम करने से अच्छा है लेकिन कुछ ज्यादा ही बोल दिया नाम के बारे में, वो अपराध है। ऐसा और क्या है, पाप करना, नाम के बल पे पाप करना, मतलब हरिनाम करना, पापाचरण करना, अथवा हमारे द्वारा किया गया पापाचरण का बदले में हरिनाम करना, ये सब कुछ अपराध ही होता है। हरिनाम हमारे पापों से हमें बचाने के लिए नहीं होता है, जीव बच जाता है नाम प्रभु की कृपा से वो अलग बात है, लेकिन इसलिए नहीं हरिनाम किया जाता है कि मैं पाप कर रहा हूं तो उससे मेरा पाप थोड़ा सा कट जाए। कई लोग होते हैं, अब तो मैं हरिनाम कर रहा हूं मेरे पाप तो कट जाना चाहिए था। क्यों कट जाना चाहिए था? हरिनाम प्रभु तुम्हारा नौकर थोड़ा लगा कि तुम हरिनाम कर रहे हो, वो भी कोई शुद्ध नाम नहीं कर रहे हो, ये सोच के कर रहे हो कि मेरे पाप कट जाए। भगवान से कोई प्रेम नहीं, लगाव नहीं, रुचि नहीं, श्रद्धा नहीं, कुछ भी नहीं है। सुन लिया ये करने से मेरे पाप खत्म हो जाएंगे, इसीलिए माला उठा के बैठ गए, अब हरिनाम कर रहे और ये आशा कर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि मेरे जितने भी पाप है वो कट जाए। गलत है, ये भी अपराध ही है और ठीक नहीं है। कितना भी पाप कर लो कुछ नहीं है, नाम करने से तो सब चले ही जाना है, ये विचार बहुत गलत है। अगर मैं तो हरिनाम कर रहा हूं ना, अगर थोड़ा बहुत पाप भी हो गया तो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये विचार गलत है। बोलते इसलिए नाम के बल पे पाप करना और पाप कर्मों में प्रवृत्त होना, एक होता है कभी भूल से भूल हो गया तो भगवान क्षमा कर देते, लेकिन पाप कर्म जितने भी होते हैं, पापाचरण जो होता है, आचरण के अंदर जो पाप लेके आता है और उसी में डूबा रहता है, ऐसे जो व्यक्ति का द्वारा किया गया सब कुछ नाम प्रभु के चरणों में अपराध ही होता है। जैसे अगर हम सोचे देवस्य हरण अपराध, हम थोड़ा सा उठा के अपने जेब में रखते हुए जाए और इधर से बढ़ गए हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम, भगवान के लिए जो आया, गुरु वैष्णवों के लिए जो आया उसका भोग करना अथवा उसका संचय करना, सेवा में नहीं लगाना, ये सब भी तो पाप भी नहीं है तो भयंकर अपराध है। ऐसा और साथ में नाम भी करना, कहां नाम प्रभु का कृपा होगा, कहां उस व्यक्ति का कीर्तनांग सेवन होगा। ऐसे व्यक्ति का कीर्तन भी वास्तविकता में कीर्तन नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने कह दिया प्रतिष्ठा रतरे निर्जनेर घोरे तव हरि नाम केवल कहितो,
वो हरिनाम कर रहा है एकांत में बैठ के। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं वो भी कपटता मात्र ही है। क्या प्रतिष्ठा रे वह प्रतिष्ठा सूक्ष्म अथवा सुषुप्त भाव से उस व्यक्ति के ऊपर आक्रमण कर रहा है। हो सकता है कि जागृत रूप से उसको दिखलाई ना दे रहा हो, सूक्ष्म और सुषुप्त भाव से देखते हैं तो प्रतिष्ठा वहां पर व्यक्ति के ऊपर आक्रमण कर रहा है। इसलिए प्रतिष्ठा के उद्देश्य से अगर हरिनाम करते हैं, उसको हरिनाम करना नहीं कहा, कपटता ही है। इसलिए पापाचरण का निवृत्ति अथवा पाप कर्मों के फल से निवृत्त होने की इच्छा से जब हम नाम का आश्रय लेते हैं, उसको भी हमारे आचार्यों ने शास्त्रों ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए बोल दिया यहां पर कितना भी पाप कर लो, हरिनाम करने से तो सब छूट ही जाता है। ये विचार बहुत गलत होता है। गलत होने से नाम प्रभु कृपा करके रक्षा करते, लेकिन नाम करते हुए गलत करने पर निश्चित रूप से रक्षा नहीं करते। कई लोग अक्सर गीता जी की बात को लेके बोल देते हैं। वो बोलते हैं भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति अगर कोई सुदुराचारी भी होता है, उसको तुम हमेशा साधु समझना, क्योंकि भगवान बोलते हैं मेरा मत के अनुसार वो साधु ही है। पहली बात, जो अनन्य भाव से भगवान की आराधना करने वाला व्यक्ति है, उससे पापाचरण हो ही नहीं सकता। भजते मां अनन्य भाग बोल रहे, अनन्यता के साथ में जो मेरा भजन में डूबा हुआ है, उसको और कुछ दिख ही नहीं रहा। सबसे पहली बात तो उसका जो मन इधर उधर भटकता ही नहीं है, एक स्थान पे हरिपाद पद्म में स्थित होके भजन कर रहा है। वो ऐसे जो व्यक्तित्व के द्वारा माया के प्रभाव में किसी ना किसी संदर्भ में अगर कोई जघन्य दोष भी हो जाता है, बड़ा सा बड़ा अपराध भी हो जाता है, सुदुराचार कार्य उससे हो जाता है, तब भी उसको साधु मानना है। लेकिन जो सुदुराचार को ही अपनी वृत्ति बनाकर निरंतर उसी में रत रहने वाला साधक, उसके लिए यह बात लागू नहीं होता ऐसा, क्योंकि उसके अंदर अपने किसी भी कर्म के लिए पश्चाताप नहीं होता, उसके अंदर कभी भी शर्म नाम का चीज नहीं होता, कुछ भी नहीं। वो अपने उन कर्मों में बेशरम होकर के डूबा रहता है, उसको कैसे स्वीकार किया गया? पापी व्यक्ति के द्वारा पापाचरण होना स्वाभाविक है, लेकिन जिसने अपने वृत्ति को ही पापमय बनाकर और एक बहाना बना लिया कि मैं अब हरिनाम करूंगा तो मेरे पाप कटेंगे, और पाप कर ही जा रहा है, वो बोलते हैं वो बहुत गलत हो जाएगा ऐसा। और क्या बोलते हैं, तपस्या को, त्याग को, योग को, ज्ञान को, कर्म को और पूजा आदि को, यज्ञ आदि को, अनुष्ठानों को, इन सब को भगवान के नाम के बराबर देखना भी भगवान नाम के चरणों में अपराध है ऐसा।
इन सबको भगवान के नाम के बराबर देखना भी अपराध है। कोई अगर बोलता है सब एक जैसा ही है, पूजा कर लो, यज्ञ कर लो, नाम कर लो, कुछ भी कर लो, सब एक जैसा ही है, बोलता है ना। इसीलिए अगर हम देखते हैं भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि भक्ति के द्वारा जिस प्रकार से मुझे आकर्षित किया जा सकता है, अन्य किसी साधन से मुझे आकर्षित नहीं किया जा सकता है। और भक्ति किस प्रकार से किया जाता है, इन नौ अंगों के माध्यम से किया जाता है, और इनमें से भी मुख्य रूप से कीर्तनांग के द्वारा भक्ति का यजन किया जा सकता है। इसलिए भगवान बोलते मदभक्त मदभक्त यत्र गायंती, जहां मेरे भक्त लोग मेरा महिमा का कीर्तन करते वहां जाके मैं बैठ जाता हूं। मेरी कीर्ति का वर्णन जब मेरे भक्त करने लगता है, क्यों? भक्त के हृदय में भगवान के लिए प्रेम होता है, वो प्रेम के साथ में जब भगवान का महिमा कीर्तन करता है वो चारों तरफ प्रेममय हो जाता है। वहां पर उस प्रेममय वातावरण का आनंद को लेने के लिए प्रेम की मूर्ति भगवान वहां पर आके विराजमान हो जाते, बैठ जाते हैं। इसलिए शुद्ध भक्तों का श्रोता तो भगवान होते हैं, इस जड़ जगत का व्यक्ति नहीं। इसलिए शुद्ध भक्तों के भगवत चर्चा में जब हम जाके बैठते हैं, निश्चित रूप से हमें पता नहीं होता भगवान का कृपा हमारे ऊपर बरस रहा होता है, क्योंकि उनके मुख की वाणी को सुनने के लिए स्वयं गोविंद वहां पर आते। ऐसा क्यों? यथा भक्ति ममूर्जिता, वो अपने भक्ति के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा मुझे आकर्षित कर लिया। लेकिन भगवान बोलते ऐसे अन्य साधनों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। और जब एक व्यक्ति बोलेगा कि नहीं, यज्ञ भी और नाम भी सब एक समान है, तो बोलते वो नाम प्रभु के चरणों में अपराध है। ऐसा शुक्राचार्य जी महाराज भी भगवान वामन देव से इस बात को बोलते। क्या बोल रहे हैं? मंत्रतस तंत्रतस छिद्रम देश कालावस्तुतः सर्वम करौति निश्चिद्रम। क्या बोल रहे हैं कि मंत्र का दोष, तंत्र का दोष, क्रिया का दोष, पूजा का दोष, स्थान का दोष, देश का दोष, काल का दोष, ऋत्विज का दोष, सब कुछ सर्वम करौति निश्चिद्रम। ये सारे दोषों को अगर बंद करने वाला, ढक देने वाला अगर कोई साधन है, बोलते प्रभु तो आपका नाम का कीर्तन है, तो नाम कीर्तन अन्य साधनों के साथ एक समान कैसे हो सकता? ऐसा नाम कीर्तन के द्वारा प्रेम प्राप्ति होगा, अन्य साधनों के द्वारा धर्मार्थ काम मोक्ष सिद्धि होगा। ऐसा पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम वो अन्य साधनों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन हम सोचे सारे शुभ कर्म जितने भी हैं वो सब जो है भगवान के नाम के साथ एक समान है, शास्त्र बोलते बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए कीर्तन करने वाला जो व्यक्ति, जो कीर्तनांग का पालन करने वाला, सेवा करने वाला व्यक्ति को इन सब चीजों का खूब सावधानी के साथ में पालन करना पड़ता है। इन सब चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। और क्या बोलते हैं, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं भगवान के नाम के प्रति, उसके पास जाकर नाम करने के लिए उसको प्रेरित करना,
क्यों? वो नाम का निंदा ही करेगा। ये काम केवल नित्यानंद प्रभु जैसे लोग कर सकते हैं, स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते और ना करते। भगवान बोलते ये यथामाम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्य। तुम जिस प्रकार से मेरे पास आओगे मैं तुम्हारी इसी प्रकार से कृपा अनुग्रहित करता हूँ। इसलिए जब एक व्यक्ति श्रद्धा के साथ गोविंद के समीप में आता है तब भगवान उसके ऊपर ऐसे ही कृपा करते। जो श्रद्धाहीन व्यक्ति भगवान के पास नहीं आता है तो भगवान भी उसके पास नहीं जाते हैं। जगत के स्वामी होने के कारण जगत के जीवों के ऊपर अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। ऐसा नहीं कि उन जीवों को अपनी कृपा से वंचित करते, लेकिन जो कृपा की सहारे से जीव इस संसार के बंधन से छूटकर भगवत धाम को प्राप्त करता है, भगवत प्रेम को प्राप्त करता है, वो कृपा कभी भी नहीं करते हैं। छोड़ते नहीं है, किसी को भी छोड़ दिया भगवान ने चल जा तो ना, क्योंकि वो भगवान का सृष्टि प्राणी है। भगवान तो परम दयालु है, वो किसी को छोड़ दे नहीं। लेकिन जिसको भगवान चाहिए ही नहीं तो भगवान उसको अपना भगवत प्रेम, अपना वो शुद्ध प्रेम जो है वो कभी भी नहीं देते हैं। लेकिन भक्त इसे नहीं होते। भक्त मतलब सभी की बात नहीं है, नित्यानंद प्रभु की तरह गुरु तत्व के जो भक्त हैं, जो वैष्णव गुरु स्वरूप हैं, वो लोग ऐसे नहीं होते। वो क्या करते हैं, मार खा के भी प्रेम देते हैं, उनकी ये विशेषता है ना। नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ दिया था तब भी नित्यानंद प्रभु उसके ऊपर कृपा करके बोल रहे कि नहीं आओ हरिभजन करो। ऐसा कहाँ श्रद्धा था जगाए मदाए का, लेकिन ये उनके पास जाके उनको नाम का उपदेश कर रहे हैं, नाम करने के वो कर सकते हैं। लेकिन जो बदजीव स्वयं नामनिष्ठ नहीं है, जो स्वयं एक साधक है, वो जाकर जहां तहां नाम का उपदेश करने लगता है तो निश्चित रूप से वो भी नाम प्रभु के चरणों में अपराध है। तो हम हर जगह जाके कीर्तन वगैरह करते हैं, सभी तो श्रद्धालु होते नहीं है नाम प्रभु के प्रति, तो फिर तो अपराध है। बोलते हैं हाँ अपराध है, इसीलिए फिर हमें क्या करना चाहिए, कीर्तन नहीं करना चाहिए? बोलते कीर्तन करना चाहिए। कैसे? अनुकीर्तन मतलब मैं कीर्तन कर रहा हूँ, मैं नाम की महिमा को मैं उपदेश कर रहा हूँ, ये भाव को हटाकर गुरु वैष्णवों के उपदेश जो मैंने श्रवण किया उसका मैं अनुकीर्तन कर रहा हूँ, ये भाव रख के करना होगा। हम नहीं नाम कीर्तन कर रहे, हम नहीं हरिकथा का पाठ कर रहे, वो तो गुरुदेव है जो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम गुरुदेव के उस वाणी का श्रोता बनकर श्रवण कर रहे हैं। ये भाव श्रवण करने वाले में भी होना चाहिए, कीर्तन करने वाले में भी होना चाहिए। जब एक व्यक्ति कीर्तन करने वाला मैं उच्चासन पे बैठकर कीर्तन कर रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, इस प्रकार का भाव को ले लेता है, रख लेता है, तो उसका ज्ञान ही उसके लिए कुठार बनकर उसकी अपनी भक्ति की वृत्तियों को काट देगा। ऐसा इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं हमेशा अनुकीर्तन करना। जब हम लोग अनुगत में कीर्तन करते हैं तो फिर सामने वाला व्यक्ति श्रद्धावान है श्रद्धाहीन है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है, वो भगवान देखते हैं, फिर गुरुदेव देखते हैं। नहीं है तो जिसको हम बोलने लगते हैं
उसके अंदर अगर श्रद्धा नहीं है, उसके पास जाकर नाम के ऊपर जोर देने के कारण, नाम की महिमा बोलने के कारण वो जो अपराध करेगा वो भी हमारे खाते में आ जाता है। नाम प्रभु खुश नहीं होते, जिसको अच्छा नहीं लगता है उसके पास क्या जाके। ये बात है। और क्या है, भगवान की नाम की महिमा को सुनकर निरंतर गुरु वैष्णवों के द्वारा कीर्तित नाम प्रभु की अनंत महिमा को, एक अंश को श्रवण करने के बाद भी नाम में प्रीति नहीं होना, ये भी नाम अपराध है। उसमें प्रीति नहीं होना, हरि नाम से सब कुछ होता है। ये बात सुन रहे हैं, जब विपत्ति आता है तब हम लोग नाम प्रभु को छोड़कर अन्य अन्य साधनों के पीछे चले जाते हैं। अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ, जब किसी सज्जन ने, वो लोग होते ही हैं, किसी पंडित के पास जाके पूछा कि ऐसे ऐसे हमारे किसी जानकार का एक्सीडेंट हो गया, क्या करना चाहिए। बोलते राहु की दशा खराब चल रहा है, मंगल जो है खराब चल रहा है, उसके लिए यज्ञ करना चाहिए, इसके लिए पूजा करना चाहिए। वो मुझे आके बोल रहे हैं कि आप थोड़ा पूजा करा लो। मतलब किस लिए कराना। बोलते नहीं नहीं ग्रहों का अपमान नहीं करते। मतलब ग्रहों का अपमान कोई नहीं कर रहा इधर, लेकिन जीवन जब नाम प्रभु के सहारे पे दे दिया, गुरुपाद पद्म के सहारे पे दे दिया, उसके बाद अन्य साधनों के पीछे जाने का क्या मतलब होता। लेकिन सलाहकारों ने ऐसी सलाह हमको भी दिया, जो हमें बोल सकता है उसके जीवन में आता है तो क्या क्या कर सकता है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कई लोग होते हैं ऐसे चेन के साथ में ना 10 तरह के जो पत्थर होते हैं बाजू में बांध के रखते हैं, फिर भी रो रहे होते हैं। 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां पहन के रखते हैं, फिर भी रो रहे होते हैं। कितने लोग देखा। और हरिनाम भी कर रहा, हरिनाम की इतनी महिमा, कौन सा ग्रह क्या कर सकता है जिसने नाम का आश्रय ले लिया। कई बार देखा जाता है भक्तों के अंदर भी ये भाव रहता है। निश्चित रूप से ग्रहों का अपना एक स्थिति है, ग्रहों का अपना एक प्रभाव है, उसको हम नकार नहीं सकते कि हमने माला पकड़ा है तो इसीलिए ग्रहों का अब जो है वो हमारे लिए बेकार है, वो तो ऐसा ही है। इस तरीका से जो सोचता है, एक कुंडली बोल के कुछ होता नहीं है, मुहूर्त बोल के कुछ होता नहीं है, ग्रह बोल के कुछ होता ही नहीं है, इस तरह के जो लोग हैं वो वास्तविकता में भक्त के रूप में नास्तिक है। सब कुछ होता है, शास्त्रों के अंदर इस चीज का उल्लेख है, लेकिन जो नामनिष्ठ व्यक्ति होता है, नामाश्रित व्यक्ति होता है, उसके ऊपर इनका प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान नाम सबसे श्रेष्ठ है और भगवान का नाम सब समय व्यक्ति को रक्षा करता है। नाम में भी निष्ठा नहीं और हर चीज की निंदा करते हुए जाएंगे, वहम है, कल्पना है, तो फिर वो व्यक्ति कहीं का भी नहीं बचता है। आखिरी में जो जो शास्त्र में है कोई भी चीज काल्पनिक नहीं है, सब पूर्ण सत्य है, लेकिन ये तमाम सत्य के मध्य में एक परम सत्य है, वो है भगवान का नाम। जिसने उसका आश्रय ले लिया उसका काम बन गया। ऐसा
लेकिन जो उसका आश्रय नहीं लेगा, आश्रय करने का अभिनय करते हुए अन्य अन्य साधनों के पीछे दौड़ता रहेगा निरंतर, शास्त्र कहते हैं वो तो अपराधी व्यक्ति है भगवान के चरणों में। इतना कृपा करने के लिए भगवान उसके जीवन में आए। कीर्तन भी कर रहा है लेकिन ध्यान कहीं इधर उधर दौड़ा रहा है, तो फिर कहाँ उसका कल्याण होगा। बोलते इस तरह से चलने वाला व्यक्ति तो क्या बोलते हैं उसको, उसका कीर्तना कभी भी संपन्न नहीं हो सकता है। कीर्तनांक मतलब क्या होता है, कीर्तन क्या होता है, भगवान के विमल यश का गान, वो भी कैसे, स्वयं आस्वादन करते हुए अथवा आस्वादन करने की इच्छा से। उसको आस्वादन करने की आशा से कि मुझे भगवान का वो जो कीर्तन करते हुए जो प्रेम का अनुभव होता है उसको अनुभव करना है, इस भाव से करना होगा, तब जाकर के वो फलीभूत होता, अन्यथा कभी भी नहीं होगा। इसलिए नाम के प्रति प्रीति रखना होगा, तभी नाम अपने रूप, तभी नाम अपने गुण, तभी नाम प्रभु अपने लीला हर चीज का अनुभव कराते हैं। बहुत साल हो गया महाराज जी हरिनाम करते करते कुछ तो अनुभव हुआ नहीं, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारा समय या तो साधु निंदा में जाता है, नहीं नहीं मैं संत का निंदा नहीं करता, वो चाहे गृहस्थी क्यों ना हो जो हरिभक्त है हरिभजन करता है तो वो भी साधु है, उसकी निंदा कई लोग होते हैं वो तो गृहस्थी है, तो क्या गृहस्थी भक्त नहीं होते। दुर्वासा ऋषि के अंदर भी ये अभिमान दिखाया, जबकि दुर्वासा जी के अंदर ऐसे अभिमान होता नहीं, लेकिन हम लोगों को समझाने के लिए तुम अपने आप को बहुत बड़ा ये मत समझो। दुर्वासा ऋषि जैसे प्रभावशाली व्यक्ति वो जब अम्बरीश महाराज को एक साधारण गृहस्थ विषयी समझकर उनके पास जाके उन्हें शासन करने का कोशिश किया तो उनको उनके चरणों में आके गिरना पड़ा था। ऐसा क्यों, क्योंकि भगवत पाद पद्म में निष्ठा व्यक्ति को साधु बनाती है, ना कि हमारा ज्ञान, ना कि हमारे पहने हुए कपड़ा, ना हमारा साधु जीवन। हम साधु होने से भी भगवान को कोई इतना प्रसन्न नहीं होता, प्रसन्नता नहीं होता जब तक कि उसके अंदर भगवान भगवत प्रेम का अंकुर फूटता नहीं है। वो कैसे आएगा, भगवान का भजन करने से आएगा, हरिनाम करने से आएगा, हरिभजन से आएगा। वो हरिभजन अम्बरीश महाराज ने किया था, वही चीज हम लोगों को दिखला रहे हैं। दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन चक्र भागने लगा, अरे वो तो ऋषि है, बहुत बड़े ऋषि है, कोई साधारण ऋषि भी नहीं है, इतने बड़े ऋषि। अम्बरीश महाराज गृहस्थ व्यक्ति, इसलिए बोले साधु निंदा मतलब ही वो है, भक्त की निंदा कोई भी आश्रम कोई भी वर्ण का क्यों ना हो, उनका अपमान ही साधु निंदा है। ऐसे करने वाला व्यक्ति का कहां पर कीर्तन होगा। बहुत सुंदर कीर्तन गाते हैं वो, पीछे जाके गालियां भी देते हैं। ऐसा बहुत सुंदर कीर्तन गाते हैं, यहां बैठा है तो कृष्ण भजन करेगा, वहां जाके माता का चौकी करेगा, कहीं जाके शिव जी का गाएगा, कहीं जाके गणेश जी का गाएगा, कहीं जाके कुछ गाएगा, पूछने से बोलेगा सब एक ही है। ऐसा
जो अनन्य भक्ति के मार्ग में है, हो सकता है वो सारे चीज़ों को ना भी करे, लेकिन कहीं ना कहीं साधु निंदा, गुरुवाज्ञा, नाम के बल पे पाप और नाम में प्रीति ना होना जैसे अपराध जो है जरूर करते हैं। प्रीति किस में है? दुनिया में है, तो फिर कैसे अनुभव होगा? किस चीज का अनुभव? बोले उस प्रेम का। वो प्रेम का प्रकाश जब हमारे ऊपर पड़ना है, वो कैसे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मुझे तो अंधकार दिख रहा है, रोशनी चाहिए, रोशनी चाहिए, रोशनी चाहिए, घर तो खोल, बोल तो रहा है प्रकाश चाहिए, लेकिन घर बंद करके रखा हुआ है। ऐसे ही हम हरिनाम तो कर रहे हैं, लेकिन हरिनाम का जो फल है वो हमें अगर प्राप्त करना है तो हमें अपराध के परत को तोड़ना होगा, तब जाकर के ये सब संभव पर है। इसलिए यहाँ पर बोल दिया, 10 नामापराधों से रहित होकर, ये 10 नामापराध को छोड़कर और त्रिनादपि सुनिचेन श्लोक का आचरण करते हुए जो एक व्यक्ति भगवान का नाम करेगा तब क्या होगा? अवश्य पाई बेतवे श्री कृष्ण चरण, निश्चित रूप से वो भगवान के पाद पद्म को वो प्राप्त कर लेगा। ऐसा नहीं है कि उसको भगवत पाद पद्म का प्राप्ति नहीं हो, निश्चित रूप से उसको भगवत पाद पद्म का प्राप्ति हो जाएगा। आगे की चर्चा हम लोग कल करें। वंशा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो।